दोस्तों आप सभी को नमस्कार। देख पा रहे मैं अभी आ चुका हूँ अंधेरी के जू चौपाटी में, और आप सभी को पता होगा कि आज है हिंदुस्तान का बड़ा महापर्व जिसको बोलते हैं छठ पूजा। और आप लोग बता दो, छठ पूजा जो होता है ना, ये सूर्य भगवान को मतलब कि जल देते हैं, मतलब यानी कि कुछ लोग बोलते हैं अर्घ्य देते हैं, यानी कि सूर्य भगवान का पूजा होता है। क्योंकि इस धरती को जगमगाने वाला एक ही चीज़ है जो है सूर्य भगवान, ठीक है। तो जो सूर्य भगवान है ना वो पूरी धरती को यानी कि पृथ्वी को उजाला करते हैं, तो इसके लिए हम लोग सूर्य भगवान को पूजा करते हैं, ठीक है। और आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो देख पा रहे मेरे पीछे कुछ माताएं बहने हैं, और देखते हैं इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से छठ पूजा का सिस्टम होता है, ठीक है। तो अंकल जी आप लोग कहाँ से आए? हम लोग अंधेरी से आए। अंधेरी ने आप लोग का गाँव कौन सा? गाँव बिहार। तो गाइस देख पा रहे ना, यानी कि झारखंड और बिहार के लोग ही यहाँ पे ज्यादातर मिलते हैं, और कुछ यूपी के भी लोग आते हैं, ठीक है। आंटी जी आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं। पहले बात तो नमस्ते आप लोगों को, क्योंकि आप इतने दूर से आए हैं पूजा करने के लिए। हाँ। तो भगवान से आप लोग क्या इच्छा किए? जो मांगते हैं पूरा करते। अच्छा, यानी कि सबका कहना श्रद्धालु जो को भर जितने भी भक्त लोग होते हैं ना, जो भी सूर्य भगवान से विनती मांगते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं, उनका मनोकामना पूरा होता है, ठीक है। तो आप लोग कितने दिन उसके लिए सिस्टम क्या, मतलब कार्यक्रम किस प्रकार से करते हैं, पूजा कितने दिन सहना पड़ता है उसके लिए? तीन दिन सहना पड़ता है। तीन दिन सहना पड़ता है, मतलब बिना पानी का कुछ खाए बिना कुछ नहीं? एक दिन खाते हैं सादा खाना। अच्छा, तो क्या एक दिन सादा खाना खाते, वो जो बनता प्रसाद वो खाते है ना? प्रसाद खाए और अभी तक भूखे हैं। पूजा अभी स्टार्ट हो रहा है, दीपक जल रहा है, दिखाओ अभी दिख पा रहा हूँ दीपक जल रहा है, और पूरा फैमिली लोग आए हैं यहाँ पूजा करने के लिए। तो सब लोग कितने आशा उम्मीद से आए हैं यहाँ पे कि पूजा करेंगे भगवान को, ठीक है। तो और भी बहन लोग आए हैं, उनसे पूछते हैं, ठीक है। लोग कहाँ से हैं आप लोग? बिहार से हैं? हाँ, हम भी बिहार। तो कैसा लग रहा है आपके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, तो भगवान से आप लोग क्या उम्मीद रखे हैं? बस अच्छा खुशी दे घर में। अच्छा खुशी की उम्मीद लगा रखे हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य भगवान सभी को खुशी रखेंगे, और जो भी इच्छा है भगवान पूरा करेंगे। अगर आप लोग सूर्य भगवान से अगर अच्छे से विनती मांगते हो सच्चे दिल से, तो भगवान आपको जरूर इच्छा पूरा करेंगे। तो पूरा ब्रह्मास्त्र ब्राह्मण जानता है कि सूर्य भगवान कितने बड़े हैं, और उनका पूजा सभी को करना चाहिए, ठीक है। तो देख पा रहे मेरे पीछे यहाँ पे पूजा का सामान रखा गया है, दिखाओ। ये सब पूजा का सामान है, ये सब अभी रहेंगे शाम तक। तो गाइस आज है पहला अर्घ और कल है दूसरा अर्घ, तो आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितने सर पब्लिक आए हैं और कितने भक्त लोग आए हैं, ठीक है। तो आज पहला अर्घ भी दिखाऊंगा आप लोगों को, और कल का जो लास्ट जो होता ना दूसरा अर्घ वो भी दिखाऊंगा, वो सुबह सुबह होगा। तो अभी देख पा रहे मेरे पीछे सूरज भगवान उगा है, ठीक है। तो ये सूरज भगवान जो उगा है ना, यानी कि 6 बजे वो डूबेंगे, तो डूबते डूबते जो होता ना वो आपको सीन दिखाऊंगा, और पूजा किस प्रकार से होता है सब कुछ दिखाऊंगा डिटेल में। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो गाइस देख पर भीड़ काफी बढ़ चुका है, और अभी शाम का टाइम हो चुका है, ठीक है। देख पर सब जगह भीड़ है भाई, क्या बताऊं। जहाँ पे चूचूबाड़ी में सब जगह खाली रहता था, आज ये चूचूबाड़ी पूरा श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है। और चलते हैं और दिखाता हूं आप लोगों को समुद्र का क्या नजारा है, ठीक है भाई। इतना भीड़ मैं पहली बार देख रहा हूं, क्या बताऊं। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मुंबई में आया था छठ पूजा करने के लिए, पिछले बार तो मैं गाँव में गया था, शायद आप लोग देखेंगे वीडियो में, ठीक है। तो इस बार मैं यहीं पर मना रहा हूँ छठ पूजा, ठीक है, मुंबई में। और जितने भी लोग हैं सब लोग मुंबई में एंजॉय कर रहे हैं, पूरा तहलका मचा दी, क्या बताऊं। देखिए पुलिस लोग भी तैनात हैं कि किसी भी प्रकार का दुर्घटना ना घट जाए, ठीक है। देख पर आप लोग कितने सारे भीड़ है बाप। देखिए जहां पे देखिएगा वहां सभी जगह पे आप लोग पब्लिक दिखेगा, क्या बताऊं। तो फटाफट लेके चलता आप लोगों को चप पार्टी की तरफ से, ठीक है। तो गाइस मुझे ना देने के अर्ग, और देखते हैं कि अर्ग के लिए कहाँ मिले जगह मिलेगा, ठीक है। चलते हैं भाई, पानी बहुत ज्यादा भर चुकी है, क्या खैर मैं तो भाई जूता पहन नहीं खाली पैर, ठीक है। और देखते हैं कि अर्ग देने के मिलते मिलता कि नहीं मिलता, ठीक है। तो गाइस देख पा रहे ये शाम हो चुका है, और शाम के नजर देख पा रहे कितना सारा भीड़ है, बाप रे इतना सारा पब्लिक आया ना कि मैं गिन नहीं पाऊंगा, इतना सारा पब्लिक आया। देखिए सब लोग बस अर्घ दे रहे हैं, और कुछ लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सूर्य भगवान से। देख पा रहे कितना सारा भीड़ है भाई, इतना तगड़ा भीड़ है, मतलब मेरा पैंट भीड़ गया, क्या बताऊं। तो गाइस मैं सूर्य भगवान से ये विनती करूंगा, अच्छा विनती क्या करूंगा आप लोग दिखाऊंगा जब मैं अर्घ दूंगा तब, ठीक है। और पानी तो लगातार बढ़ते जा रहा है, क्या बताऊं। तो गाइस मैं भी अर्घ दूंगा, ठीक है। देख पर लोग इसमें लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए, तो मेरा बारी आया अर्घ देने का, तो देखते हैं कि किस प्रकार से होता है, ठीक है।
मतलब मुंबई में क्या सिस्टम है और गांव का सिस्टम है आप लोग बताओ कमेंट में, ठीक है? और क्या अलग दिखेगा आप लोग वो भी आप लोग बताइए कमेंट, ठीक है? बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्या बताऊँ? जहाँ तक देखिएगा भाई आप लोगों को पब्लिक दिखेगा, पूरा पूरा भरा पड़ा समुंदर। तो फिलहाल देख पर अभी शाम का वक्त हो चुका है और सूरज भी डूब गया, ठीक है? और डूबते हुए सूरज को सब लोग दे रहे हैं अर्घ, आप लोग देख पा रहे हो जितने भी भक्त लोग हैं ना सब लोग अभी अर्घ दे रहे हैं, ठीक है? ये कुछ सिस्टम होता है पूजा का, वो पालन कर रहे, ठीक है? देखिए आंटी जी भी आ गए अपने मनोकामना को मांग के, ठीक है, श्री भगवान से। और अंकल भी मौजूद है, आप देख पा रहे हो। तो गाइस देख पा रहे हैं पूजा आर में पूजा होगा, ठीक है? हम लोग का आज पहला अर्घ था, पहला अर्घ पूरा संपन्न हो गया। और सूर्य भगवान से मैं यही विनती करूंगा कि सेठ सूर्य भगवान मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर कर देना, ठीक है? और जो भी अंकल का जो मनोकामना था पूरा हो गया, तो आज का पूजा संपन्न होगा, ठीक है? अभी चलते हैं घर पे और आज रात भर यहीं पर रहना पड़ेगा ना अंकल, रात भर रुकना पड़ेगा। तो आज रात भर यहीं पर रुकना पड़ेगा। अच्छा पार्टी के अंदर सोचिए कितना मुश्किल काम है, गांव तरफ तो ऐसा नहीं होता, गांव तरफ आज अर्घ दिए फिर गांव जाते हैं, घर जाते हैं फिर सुबह आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम है, अभी पूजा किए फिर यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कल के लिए, यानी कि उगते हुए सूरज का, फिर कल का अलग अर्घ होगा, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग का पूजा होगा, ठीक है? बोले जय छठी मैया, बोले जय छठी मैया। तो भाई आप लोग अगर पूजा से प्यार के छठ पूजा से अगर प्यार करते हो या फिर पूजा करते हो तो जय छठ पूजा लिखे इस वीडियो में, ठीक है, कमेंट में। तो चलते आ गया।